डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वाणी विकास यानी स्पीच डेवलपमेंट। वाणी सभी जानते हैं, मानव जीवन में वाणी या कहें कि भाषा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने जो विचार होते हैं, अपने जो विचार, अपनी जो इच्छाएँ, भावनाएं, उनको एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और तथा दूसरे के जो विचार, उनके भाव, उनकी इच्छाओं को समझ पाते हैं। दूसरे प्राणियों की तुलना में मानव भाषा के कारण ही श्रेष्ठ है। भाषा के माध्यम से ही किसी देश की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है। अतः भाषा न केवल विचारों की अभिव्यक्ति का सुंदर, सशक्त, सुगम एवं श्रेष्ठ माध्यम है, बल्कि बौद्धिक योग्यता एवं क्षमताओं के आदान प्रदान का उत्कृष्ट साधन है। एक गूंगे व्यक्ति के दिल के दर्द को समझने का प्रयत्न कीजिए कि वह दूसरों के सामने स्वयं को कितना असहाय महसूस करता है, विशेषकर जब वह अपनी अति आवश्यक बात को नहीं समझा पाता है। यद्यपि अपने भाव भाव, चेहरे आदि अंगों के माध्यम से वह अपनी बात कहने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार क्या है, उसकी जो बात है उसको दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि फिर भी वह समझाने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसमें इतनी स्पष्टता नहीं होती है। या संक्षेप में हम कहें कि भाषा संप्रेक्षण, भाषा कम्युनिकेशन का एक लोकप्रिय साधन है, जिसकी सहायता से हम जो कुछ कहना चाहते हैं कह पाते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रख सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। और यही कारण है कि बालक के सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यक्तित्व आदि विकास के लिए भाषा कहे या वाणी विकास का अमूल्य योगदान है। इसलिए प्रत्येक बालक में वाणी विकास होना जरूरी है। स्वीट के शब्दों में भाषा धमनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। अब वाणी और भाषा में अंतर क्या है? हम कहेंगे कि वाणी और भाषा में अंतर, आमतौर पर अधिकांश लोग वाणी एवं भाषा को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं और इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर देते हैं, मगर इन दोनों ही शब्दों में व्यापक अंतर है। यहाँ वाणी एवं भाषा को अलग अलग स्पष्ट किया जा रहा है। यहाँ वाणी की बात करते हैं। वाणी भाषा का ही एक रूप है, जिसमें हम ध्वनियों एवं शब्दों के माध्यम से दूसरों के अर्थ को स्पष्ट कर पाते हैं। और वहीं यद्यपि वाणी अस्पष्ट, अनियमित एवं टूटे फूटे ध्वनियों के रूप में हो सकती है, परंतु यह एक संप्रेक्षण या कम्युनिकेशन का एक सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम होता है। इसका प्रयोग समूचे विश्व में किया जाता है। अब भाषा की बात करते हैं कि भाषा किसे कहेंगे, तो वाणी किसका रूप है? वाणी भाषा का ही रूप है और भाषा वाणी का ही एक विस्तृत रूप है। आया समझ में कि वाणी है वो भाषा का ही एक रूप है और भाषा वाणी का ही एक विस्तृत रूप है। यह वाणी की अपेक्षा अधिक नियंत्रित एवं प्रभावी होती है। इसके अंतर्गत विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए हम सभी साधन अपनाते हैं, जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, हाव भाव, संकेत,
कलात्मक अभिवृत्तियाँ जो होती हैं आदि भाषा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, अपने भावों को, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अर्थपूर्ण ढंग से रख सकता है। बालकों में वाणी विकास का निरीक्षण किया जाए तो पता चलता है कि बालकों का जो भाषा का है यानी वाणी का जो विकास है वो उसके प्रथम क्रंदन यानी रोने से ही शुरू हो जाता है। प्रारंभ में उसकी वाणी अस्पष्ट और अनियंत्रित होती है, परंतु जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती जाती है उसका मस्तिष्क का विकास होता जाता है, तंत्रिका तंत्र मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वाणी स्पष्ट होने लग जाती है। हाँ, ध्यान रहे, बालकों द्वारा उत्पन्न सभी ध्वनियों को वाणी नहीं कहा जा सकता है, केवल उसी ध्वनि को वाणी कहा जा सकता है जो बालक द्वारा बोली गई हो तथा बालक उसका अर्थ भी जानता हो, तभी वो क्या कहलाती है, वाणी कहलाती है। आप देखते हैं कि बच्चा जन्म के समय एक बालक अत्यंत ही असहाय होता है, वह केवल रोना जानता है, वह अपनी कष्ट पीड़ा बात दूसरों के सामने जब रखनी होती है तो केवल वो बोल नहीं सकता, सिर्फ रोता ही है। भूख लगने, बिस्तर गीला होने, पेट दर्द होने, अंधकार हो जाता है या प्रकाश से उसे डर लगता है तो वो क्या करता है, इन परिस्थितियों में केवल वो बोल नहीं पाता तो रोकर ही वो अपने विचारों को प्रकट करता है। वह अब जैसे जैसे वह बड़ा होने लग जाता है अस्पष्ट जो ध्वनियाँ होती हैं उनका उच्चारण करने लगता है, धीरे धीरे वह अस्पष्ट ध्वनि शब्दों का रूप लेने लग जाती हैं और शब्द फिर छोटे छोटे वाक्यों में बन जाते हैं और वाक्य फिर एक छोटे वाक्य फिर सुंदर आकर्षक और प्रभावपूर्ण वाक्यों में तथा वाक्य विन्यास में बदल जाता है और भाषा का विकास होने लग जाता है। वाणी का हम भाषा विकास की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं उन पर चर्चा करते हैं। भाषा विकास की अवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियां और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां। जो वास्तविक भाषा उसके पहले की जो अभिव्यक्तियां हैं उनके अंतर्गत इसे तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्रंदन, क्विक एवं बबलाना और हाव भाव। वास्तविक भाषा की जो अभिव्यक्तियां हैं उन्हें चार भागों में उच्चारण, आकलन शक्ति, शब्द भंडार और वाक्य निर्माण आता है। सबसे पहले जो बात करते हैं वास्तविक भाषा के पूर्व की जो अभिव्यक्तियां हैं उनमें सबसे पहले क्रंदन आता है। क्रंदन में आपको बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है जन्म के बाद ही सबसे पहले जो भाषा के विकास से पहले जो उसकी अभिव्यक्ति होती है वो क्रंदन होता है, वो सिर्फ रोना ही जानता है। उसको कोई भी अपनी बात कहनी हो, चाहे बिस्तर गीला हो, चाहे उसे भूख लगी हो, चाहे उसके पेट में दर्द हो या कहीं भी दर्द हो, तो वो सिर्फ रो कर ही अपने भाव को प्रकट करता है। तो ये है उसमें क्रंदन का। फिर आ जाता है इसमें बालक के दूसरा जो उसका बोला हमने क्विंग एवं बबलाना। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है वह रोने की क्रिया कम करता जाता है और उसके स्थान पर अस्पष्ट ध्वनियों का वो निकालता रहता है। ये ध्वनियाँ सीखी हुई नहीं होती बल्कि स्वतः ही उनसे उनके मुख से निकलती रहती है। इन ध्वनियों के माध्यम से बालक न तो कुछ संप्रेक्षित कर सकता है, कुछ कह पाता है और न ही वह दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींच पाता है, बल्कि ये ध्वनियाँ तो एक प्रकार की सहज एवं जो प्राकृतिक क्रिया है जिसे गूंगे एवं बहरे बच्चे भी करते हैं, इस प्रकार की क्रियाएं वह करते हैं। एक माह का बच्चा है वह कुछ सरल ध्वनियाँ निकालने लग जाता है, छींकते समय, जम्हाई लेते समय वह कुछ इस प्रकार की वो आवाज़ें निकालता रहता है। ये ध्वनियाँ अर्थहीन एवं निरर्थक होती हैं, परंतु इन ध्वनियों से स्वयं बालक को आनंद और सुख की अनुभूति होती है। अतः बालक ऐसी ध्वनियों को बार बार निकालता रहता है और खुश होता जाता है। इन ध्वनियों को ही क्विंग कहा जाता है। क्विंग की अधिकांश ध्वनियाँ निरर्थक होती हैं, परंतु इनमें कुछ ध्वनियाँ आगे चलकर बबलाने में एवं शब्दों के निर्माण में परिवर्तित हो जाती हैं।
कुछ ध्वनियां उम्र के बढ़ने के साथ साथ स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बालकों के में बबलाने की क्रिया लगभग 2 माह से प्रारंभ हो जाती है तथा 1.5 वर्ष की अवस्था तक ये चलती रहती है। 8 माह के बालकों में बबलाने की क्रिया अपने चरम सीमा पर होती है। जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है उसका स्वर यंत्र जो होता है उसके स्वर यंत्र है वो मैच्योर होने लग जाते हैं, परिपक्व होते हैं और वह अधिक स्पष्ट ध्वनियां निकालने लग जाता है। बबलाने में बालक पहले स्वरों का प्रयोग करता है, जैसे ए आ ई ई ऊ ऐसे बोलेगा, फिर व्यंजनों का जैसे कि क ख ग घ ऐसे आदि शब्दों का वह कई बार और वह व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर भी ध्वनियां निकालता है, जैसे पा मा दा, ये इस प्रकार के शब्द वो ये ध्वनियां वो निकालता रहता है। इनमें प व्यंजन के साथ आ स्वर जुड़ा हो रहता है। प्रारंभ में बालक एक ही ध्वनि की पुनरावृत्ति करता है, जैसे बार बार बोलेगा पा पा दा दा मा मा ऐसे करके बोलेगा वो, और धीरे धीरे इसे ही क्या कहते हैं जो इस प्रकार की वो ध्वनियां निकालता है उसे ही बबलाना कहते हैं। बालकों की यही बबलाना आगे चलकर शब्दों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे बाबा पापा दादा मामा इस प्रकार से, और बालकों को खुशी व आनंद की अनुभूति होती है जब वो ऐसा बोलते हैं तो इस प्रकार से उनमें बबलाना है वो काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। अब आ जाएगा हमारा हाव भाव। बालकों में न केवल करंदन और कुइंग अथवा बबलाने के माध्यम से भाषा का विकास होता है बल्कि वह भाषा विकास में हाव भाव का भी प्रदर्शन करता है। हाव भाव से तात्पर्य अपने विभिन्न शारीरिक अंगों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वास्तविकता तो यह है कि बालक हाव भाव का प्रदर्शन भाषा के पूरक के रूप में करता है। अतः बालकों के लिए हाव भाव विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सरल सुगम एवं श्रेष्ठ साधन है जिसका उपयोग वह शब्दों के स्थान पर करते हैं। बालक हाव भाव का प्रदर्शन पैर पटककर, हाथ पैर फैलाकर, उंगली दिखाकर, मुंह बनाकर, मुस्कुराकर, नाक सिकोड़कर, माता का आंचल खींचकर आदि विभिन्न तरीकों से करता है। उदाहरण जैसे कि भूख मिट जाने पर बालक दूध के गिलास को देखकर अपना मुंह फेर लेता है, अपनी माता को देखकर अपने दोनों हाथ फैलाता है तथा न उठाने पर नाराजगी प्रदर्शित करने लग जाता है। तो ये हुई हमारे वास्तविक जो भाषा की अभिव्यक्तियाँ हैं उससे पूर्व की, यानी जब तक उसको भाषा नहीं आती है उसके पूर्व की जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो इस प्रकार की होती हैं। वो क्रंदन करता है, फिर कुइंग और बबलाना करता है, फिर उसके गेस्चर्स होते हैं यानी हाव भाव दिखाई देने लग जाते हैं। अब आ जाएगा इसकी वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। वास्तविक भाषा की जो अभिव्यक्तियाँ हैं उनमें सबसे पहले आकलन शक्ति का विकास होता है, यानी उच्चारण आ जाएगा सबसे पहले जो इसके अंतर्गत आता है वो है आकलन शक्ति का विकास। जब बालक दूसरों लोगों की हाव भाव, उनकी मुखाकृति आदि को देखकर समझ जाता है तथा वह दूसरों की क्रियाओं एवं हाव भाव जो होते हैं उनका अनुकरण करने लग जाता है तो उसे आकलन शक्ति कहते हैं। तो यह जो आकलन शक्ति का विकास है वो 3 से 4 माह की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। 4 माह का शिशु अपनी माता को पहचानने लग जाता है, उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। 5 से 6 माह का शिशु माता को या अपने निकट परिस्थिति को देख परिचित को देखकर हाथ फैला लेता है या मुस्कुराने लग जाता है, और 8 माह का बालक सरल शब्दों का अनुकरण करना सीख जाता है। अगला जो इसका स्टेप्स होता है वो बच्चे का है उच्चारण करना। भाषा विकास का पहला उच्चारण करना ये क्या कहलाता है, उच्चारण करना ही भाषा विकास का ये पहला होता है कि उच्चारण करना, ये पहला स्टेप है। बच्चा 6 माह की अवस्था से ही कुछ अस्पष्ट ध्वनियों को बोलने यानी उच्चारण करने लग जाता है जो आगे चलकर शब्दों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे दादा मामा नाना आदि वो उनका उच्चारण करता रहता है। 1 वर्ष का बालक दूसरों द्वारा बोले गए शब्दों का जो बोलते हैं दूसरे उनका अनुकरण करने लग जाते हैं, परंतु जब अनुकरण की प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से होती है तो
बालक अपने माता पिता, संरक्षकों अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा गए बोले गए शब्दों का उच्चारण करना जल्दी जल्दी सीखते हैं। अध्ययनों से यह पाया गया है कि यदि बालक की पूर्व बाल्यावस्था से ही एक नए वातावरण में रख दिया जाए तो वह उस व्यक्तियों द्वारा बोले गए शब्दों का उच्चारण करना अति शीघ्रता से सीख जाता है। बालक उसी तरह से बोलना सीखता है मानो वह उसी प्रदेश व देश का रहने वाला हो। शब्दों के शुद्ध उच्चारण में बालकों में स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है, ये ध्यान रखें। यह भिन्नता मुख्यतः निर्देशन से प्रभावित होती है, परंतु कुछ हद तक भी इसे इसलिए जिम्मेदार है, कुछ हद तक इसमें जो हमारी वाणी होती है वो भी इसमें जिम्मेवार होती है, परंतु कुछ माता पिता बालकों को शुद्ध उच्चारण करना नहीं सिखाते हैं और कई जो माता पिता होते हैं वो बालकों को गलत उच्चारण करने पर टोक देते हैं जिससे वो उच्चारण को उसी समय ठीक कर लेते हैं। अगला जो हमारे इसके अंदर वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां आती है उनमें है शब्द भंडार। बालकों का शब्द भंडार जितना अधिक एवं व्यापक होगा उसका भाषा विकास उतना ही जल्दी तीव्र गति से और अच्छा होगा। इसके साथ ही बालक का आकलन शक्ति का जितना अधिक विकास होगा उतना ही उसका शब्द भंडार बढ़ेगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं जानता बल्कि वह एक एक शब्द का दो, तीन या चार इससे भी अर्थ अधिक अर्थ जानने लग जाता है। जैसे कर का अर्थ हाथ, टैक्स काम करो आदि इस प्रकार से है। इस प्रकार वह हार का अर्थ माला, गले का हार पराजय आदि से लगा लेता है। बालक शुरू शुरू में इन शब्दों को सीखता है जो उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं, अतः आवश्यकता से संबंधित शब्द भंडार में वृद्धि होती है। प्रारंभ में बालक संज्ञा शब्दों को सीखता है और दो वर्ष का बालक संज्ञा शब्द अधिक बोलता है जिसमें अधिकांश शब्द उनके खाने पीने खिलौने एवं आवश्यकता से संबंधित होते हैं, जैसे खा लो पी लो जाओ दो, तो इस प्रकार से होते हैं उनके शब्द। बालकों के शब्द भंडार का यदि अध्ययन किया जाए तो ये प्रमुख रूप से हमारे सामने दो बातें उभर कर आती हैं और वे हैं सामान्य शब्द भंडार और विशिष्ट शब्द भंडार। सामान्य शब्द भंडार कौन से होते हैं? बालक जब सामान्य परिस्थितियों में जिन शब्दों का उच्चारण करता है, जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वो सामान्य शब्द भंडार कहलाते हैं। ये मुख्यतः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण से संबंधित होते हैं, जैसे मामा, चाचा, पापा, नाना, ये हो गए, फिर लाओ खाओ दो, इस प्रकार से वो बोलेगा। विशिष्ट शब्द भंडार कौन से होते हैं? विशिष्ट शब्द भंडार के अंतर्गत वे सभी शब्द आते हैं जिन्हें बालक विशिष्ट अवसरों पर ही बोलता है। सामान्यतः 3 वर्ष की अवस्था में बालक विशिष्ट शब्द भंडार का प्रयोग करने लग जाता है और 5-6 की वर्ष की अवस्था तक आते वह विशिष्ट शब्द भंडार में उसके काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे कि अब विशिष्ट इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? जैसे रंगों से संबंधित शब्द भंडार है, समय संबंधी शब्द भंडार, संख्या, धन, शिष्टाचार, अशिष्ट शब्द इत्यादि हल्के सौगंध वाले शब्द भी वो बोलने लग जाता है। रंगों से संबंधित जैसे शब्द है, 4 वर्ष की अवस्था तक अधिकांश बालक लाल, पीला, नीला, हरा इस प्रकार के जो प्राथमिक रंग हैं उनको समझने लग जाता है। यदि उनकी रुचि पेंटिंग या चित्रकारी में होती है तो वे द्वितीय जो श्रेणी के रंग होते हैं उनको बारे में भी जानने लग जाता है। समय संबंधी शब्द जैसे कि 5 से 6 वर्ष के बालक को समय संबंधी ज्ञान हो जाता है तो अब वह दिन, रात, सुबह, शाम, दोपहर, सर्दी, गर्मी आदि का भी उसको पता चल जाता है और वो समझने लग जाता है। संख्या संबंधी 3 से 4 वर्ष का बालक 1 से 100 तक की गिनती उसको आने लग जाती है और वो बोल भी लेता है। 6 से 7 वर्ष का बालक 2 से लेकर 8 तक के पहाड़ों को याद कर लेता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, उनके शब्द भंडार में बढ़ोतरी होती है। कुछ वह सौगंध वाले शब्द भी बोलने लग जाता है। बालक 5 से 6 वर्ष का होता है तब
और कुछ गुप्त शब्द भंडार भी होते हैं। 6 से 7 वर्ष का बालक गुप्त शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। लड़कियां इसमें आगे रहती हुए अपनी सखी सहेलियों से बातचीत करने के लिए गुप्त शब्द भंडार का प्रयोग करती हैं। यह गुप्त शब्द मौखिक, संकेत, लिखित, कार्टून, हाव भाव आदि रूप में हो सकते हैं। अगला जो हमारा इसमें अब आता है हमारा वास्तविक भाषा के अभिव्यक्तियों में जो अगला और जो लास्ट होगा वो हमारा वाक्य निर्माण होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन है। भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो वाक्य निर्माण होता है, जिसे बालक सबसे बाद में सीखता है वाक्यों को बनाना, क्योंकि वाक्य निर्माण में शब्द को जोड़ना तथा व्याकरण की जानकारी ये दोनों शामिल होना आवश्यक होती है। 3 वर्ष का बालक वाक्य निर्माण तो कर लेता है परंतु उसमें व्याकरण संबंधी कई प्रकार के दोष होते हैं। वह संज्ञाओं के लिए वचन क्रिया आदि में त्रुटि करते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग, काल के प्रयोग में अक्सर क्या करते रहते हैं, गलतियां यानी त्रुटि कर देते हैं। अतः शुद्ध रूप से वाक्य का प्रयोग करना कठिन एवं दुसाध्य कार्य लगता है। इसके लिए उनको सही निर्देशन दिया जाए, उनको मार्गदर्शन किया जाए, उनका अभ्यास किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, तो वो जरूरी ही वो इन चीज़ों को सीख जाता है। वाक्य निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में जब बालक 1 से 1.5 वर्ष का होता है वह एक सरल वाला वाक्य बोलता है जो प्रमुख रूप से संज्ञा होते हैं या क्रिया, जैसे पापा, नाना, लो, दो, खा, पी, लो, इस प्रकार से बोलता है। तो 3 वर्ष का बालक अधिक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने लग जाता है। अब उसके वाक्यों में शब्दों की संख्या 3, 4 या इससे भी अधिक हो जाती है। मैकार्थी एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि 3 वर्ष का बालक 3 शब्दों का, 4 वर्ष का बालक 4 शब्दों का वाक्य बना लेता है तथा बोलना सीख जाता है, परंतु इसके द्वारा जो निर्मित वाक्य छोटे, अशुद्ध एवं अपूर्ण होते हैं। वाक्यों से क्रिया, संज्ञा एवं विशेषण शब्दों की बहुलता होती है। इस अवस्था को लघु वाक्य की अवस्था भी कहा जाता है या अपूर्ण वाक्य की अवस्था भी इस अवस्था को कहते हैं। जैसे मैंने दूध पी, पापा बाजार चल, दादी खाना खा, भैया पढ़ाई कर, तो इस प्रकार से क्या है वो अपूर्ण वाक्य बोलता है। और 5 से 6 वर्ष का बालक 5 से 10 शब्दों का वाक्य बना लेता है। अब उसके वाक्य अधिक बड़े, मिश्रित और संयुक्त होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारे भाषा विकास की अवस्थाएं थी उनके अंदर हमने इसे 2 भागों में बांटा। एक वास्तविक जो भाषा है उससे पूर्व की अभिवृत्तियां होती हैं, दूसरा जो वास्तविक भाषा है उसकी अभिवृत्तियां। तो वास्तविक भाषा के पूर्व की जो अभिवृत्तियां हैं, क्रंदन हो गया, इसमें कोई नियम बबलाना और हाव भाव है। जो वास्तविक भाषा की अभिवृत्तियां हैं इसमें आकलन शक्ति, उसका उच्चारण, शब्द भंडार और उसका वाक्य निर्माण है, सेंटेंस फॉर्मेशन है वो आता है, सेंटेंस फॉर्मेशन है वो लास्ट की होता है। तो ये था हमारा वाणी और भाषा में। तो आपके क्वेश्चन बन जाता है कि वाणी क्या है, भाषा क्या है और इसमें वाणी और भाषा की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इन्हें कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो इस प्रकार से आ जाता है। कई बार छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनमें पूछ लिया जाता है कि क्रंदन क्या है, कितने महीने का बच्चा है वो क्रंदन करता है, हाव भाव में भाषा की अभिवृत्तियों में हाव भाव कौन सी स्टेज होती है जब होता है उसके, तो ये आ जाएंगे हमारे इसके वाणी और भाषा की अवस्थाओं के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।